my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Monsoon is here. बारिश का सीजन आ गया है हर जगह. रिम जिम बारिश हो रही है और बारिश में होती है ह्यूमिडिटी प्लस हेयर फॉल. सो मुझे लगा मैं अपना करंट हेयर फॉल रूटीन आपके साथ शेयर कर देती हूँ, विच इज स्पेसिफिकली फॉर मानसून एंटी हेयर फॉल. नॉट जस्ट फॉर मानसून, अगर आप मानसून के बाद भी हेयर केयर रूटीन देखोगे तभी भी आपको ये अच्छे से सूट करने वाला है, बिकॉज जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ दे शो शॉट वर्क्स रियली वेल फॉर एंटी हेयर फॉल बेसिकली. या फिर हेयर फॉल अगर हो रही है तो हेयर ग्रोथ पर कैसे फोकस करना है, बिकॉज अगर आपके पुराने बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपको एट द सेम टाइम हेयर ग्रोथ पर भी फोकस करना है. तो आज मैं पूरा अपना करंट रूटीन शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर वन ऑफ हेयर केयर, विच इज प्री शैम्पू हेयर केयर रूटीन. काफ़ी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अगर हमें हेयर फॉल हो रहा है फिर कोई भी हेयर लॉस हो रहा है, डैंड्रफ इशूज हो रहे हैं, तो हम शैम्पू कंडीशनर यूज़ करेंगे हमारे इशूज चले जाएंगे. बट ऐसा नहीं होता. जो मेन एक्चुअल में इफेक्टिव स्टेप होता है वो होता है आपका प्री शैम्पू रूटीन, कि आप एक रात पहले ओवरनाइट या फिर डेली बेसिस पे अपने स्कैल्प में क्या दे रहे हो. सो जब बात आती है मानसून की, मानसून में आई मेक श्योर कि मैं ज़्यादा ऑयलिंग ना करूँ, तो मैं मानसून आते आते ना ऑयलिंग थोड़ी सी कम कर देती हूँ. ऑयल अगर यूज़ भी करती हूँ तो बालों पे कर लेती हूँ, लेकिन वो भी एक या दो घंटे पहले शैम्पू से, दैट्स इट. ज़्यादा लंबा ऑयलिंग में नहीं करती, बिकॉज मानसून सीजन में अगर आप जितनी ज़्यादा ऑयली अपनी स्कैल्प रखोगे ना वो उतना डस्ट अट्रैक्ट करेगी ह्यूमिडिटी की वजह से, और ज़्यादा आपकी बालों में यू नो ऐसे बहुत हैवीनेस फील होगी, एंड देयर माइट बी अ रीज़न कि आपको ऑयलिंग की वजह से और हेयर फॉल हो रहा हो. सो मानसून में व्हाट आई डू, आई यूज एलोवेरा जेल. कोई भी आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, लाइक अभी मेरे पास ये वाला रखा हुआ है. कोई भी एलोवेरा जेल आपके पास हो मार्केट में मिले, कोशिश करो कलर वाला ना हो. ये मेरा एक कलर वाला एलोवेरा जेल है जिसको मैं फिनिश ऑफ करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बाली से लाई थी. सो या व्हाट आई डू, एलोवेरा जेल लिया, अच्छे से यहाँ पर भी लगा लिया, हेयर लेंस पे लगा लिया. तो ये भी एक तरह से प्री शैम्पू आपका कंडीशनर काम करता है, आपके बालों को नरिश भी करता है और जो थोड़ा बहुत इचीनेस होती है उसको भी कम कर देता है. सेकेंड ऑप्शन फॉर प्री शैम्पू हेयर केयर रूटीन इज अ नाइस देसी मास्क. तो मैं बहुत ज़्यादा ये वाले DIY मास्क यूज़ करती हूँ. इसका पैकेट मेरे से घूम गया, जो बाहर का आउटर बॉक्स होता है मैं खाली उसको ऐसे रैप करके रखती हूँ. दिस इज आमला रीठा शिकाकाई, जो बेसिकली जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उसका पाउडर है ये, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा. मैंने भी अमेजोन से लिया, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आमला रीठा शिकाकाई का पाउडर है, तो या तो आप इसको एलोवेरा में मिक्स करके या फिर रोज वाटर में मिक्स करके या फिर रेगुलर अपने पानी में मिक्स करके अच्छे से अपने बालों में लगा सकते हो. ये भी एक प्री शैम्पू का काम करता है. आमला रीठा से आपके बाल शाइनी होते हैं, ब्लैक रहते हैं, प्री मैच्योर ग्रेइंग जल्दी नहीं होती, या फिर जो डैंड्रफ के इशू होते हैं वो चले जाते हैं. अनदर थिंग आई डू इज जब भी दही खट्टी हो जाती है ना घर में, पहले भी मैं ये करती थी, मेरी मदर बता देती थी कि दही खट्टी हो गई है, सो उसका ऐसे पतला पानी ऐसे छाव बनाते हैं ना, लस्सी टाइप कुछ बनाया पतला पतला किया, एंड उसमें ये वाला पाउडर मिक्स करके फिर मैं अपने बालों में लगाती हूँ. जो खट्टी दही होती है उससे भी बेसिकली आपके जो डैंड्रफ, इचीनेस या फिर जो भी आपको इश्यूज हो रहे हैं वो चले जाते हैं. बहुत अच्छा वर्क करता है. काफ़ी बार मैं लेमन भी यूज़ करती हूँ, लेकिन अब डर रहता है कि लेमन से प्री मैच्योर ग्रेइंग ना हो जाए, तो इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं यूज़ करती. पहले मैं लेमन दही बहुत लगाती थी, सो दैट वो डैंड्रफ और जो मानसून में ना एक स्कैल्प में एक इचीनेस रहती है, लगता है फंगल इन्फेक्शन हो गया. काफ़ी बार जब आप बारिश में जाते हो, बारिश आपके सर पर गिरती है, उसके बाद आपको ऐसे इचीचीनेस फील होती है, तो उस केस में ये खट्टी दही हो गई या हल्का सा आप लेमन डाल सकते हो, आमला रीठा का पाउडर डाल सकते हो, ये सब मिक्स करके अपने बालों पर लगाओगे ना तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है. एक DIY हेयर मास्क आपका बन सकता है, ये आप 2 या 3 घंटे पहले अपने शैम्पू से लगा लो, एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली वॉश इट ऑफ. नाउ ये जो मैंने आपको देसी नुस्खा बताया ना, ये आपके रेगुलर बालों के लिए ठीक है कि आपको ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हो रहा, मानसून में हल्की हल्की इचनेस हो रही है. लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जैसे मानसून में नहीं वैसे उनका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एजिंग की वजह से, प्रेगनेंसी के बाद औरतों को हेयर लॉस होता है, काफ़ी लोगों को कोविड का अभी तक वो साइड इफेक्ट चल रहा है कि हेयर लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है, बॉल्ड पैचेस पड़ गए हैं, या फिर स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, वॉट एवर रीज़न, बहुत सारे रीज़न होते हैं लाइफ में हेयर फॉल होने के. तो उस केस में ना ये देसी वाले नुस्खे इतने इफेक्टिवली वर्क नहीं करेंगे. उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एक्टिव चाहिए जो स्पेसिफिकली आपकी स्कैल्प में जाए, उन एक्टिव्स की वजह से और ज़्यादा आपके बालों में हेयर ग्रोथ बूस्ट होती है. सो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सीरम है, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड विच इज़ डर्माको. डर्माको ने लॉन्च किया है उनका 20% एक्टिव पेप्टाइड स्टेम सेल हेयर ग्रोथ सीरम. ये हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है और उसमें बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट है. मैंने जब ये फर्स्ट टाइम देखा वाज लाइक आई हैव टू ट्राई इट, और मैं तब से इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रही हूँ. आई लव द पैकेजिंग, बहुत अच्छी कन्वीनियंट ऐसे सेफ स्प्रे पैकेजिंग में आता है. इसका लॉक भी आता है, तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो आप लॉक लगा के इसका ट्रैवल भी कर सकते हो. ऑल्सो इसके अंदर 20% एक्टिव्स हैं, विच इज़ हाइएस्ट इन अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट. आपको बाकी जितने भी हेयर ग्रोथ सीरम्स मिल रहे हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स इसी के अंदर डले हुए हैं, बट द ओवरऑल फॉर्मुलेशन इज वेरी वेरी सेफ. इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन, इसके अंदर पेप्टाइड्स और स्टेम सेल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. इट हैज इंग्रेडिएंट्स लाइक 3% कॉपर पेप्टाइड जो इंप्रूव करता है स्कैल्प हेल्थ को, बेसिकली फाउंडेशन क्रिएट करता है ताकि हेयर ग्रोथ
ग्रोथ आपकी बढ़े और ज़्यादा आपका हेयर टेक्सचर बेटर हो, इलास्टिसिटी आए। स्टेम सेल्स हैं इसके अंदर, प्लांट बेस्ड प्लांट स्टेम सेल्स जिनको बोला जाता है, जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, अगेन आपके हेयर फॉलिकल्स में रीजनरेशन क्रिएट करते हैं। 1% रेडेंसिल भी है, हम सबको पता है रेडेंसिल कितना अच्छा इंग्रेडिएंट होता है, जो एक प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स होता है जो हेयर स्टेम सेल को बेसिकली टारगेट करता है, रीएक्टिवेट करता है फॉलिकल्स को ताकि और ज़्यादा आपकी हेयर डेंसिटी इंप्रूव हो। इसके अलावा इसके अंदर 9% कोलेजन एनलोप भी है एंड 4% एनिगिन भी है, जो प्रिवेंट करता है हेयर लॉस, इंप्रूव करता है आपके स्कैल्प हेल्थ को, बेसिकली ओवरऑल हेयर ग्रोथ को ही बूस्ट करने में हेल्प करता है। वेरी सेफ फॉर योर स्कैल्प बिकॉज डर्मा को एक तो फ्रेग्रेंस फ्री है, तो इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग और खुशबू नहीं है। मैंने अभी तक मार्केट में जितने अवेलेबल है ना मैक्सिमम हेयर सीरम्स यूज करे हैं, और कुछ कुछ में इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है जो आपको एलर्जी दे सकती है या फिर किसी किसी को इरिटेशन हो सकती है। इसमें ऐसा नहीं है, दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री, मिनरल ऑयल, डाई, सल्फेट, पैराबिन फ्री, सो ओवरऑल द फॉर्मुलेशन इज वेरी वेरी सेफ। ऑल्सो दिस इज नॉन स्टिकी एंड नॉन ऑयली। बाकी आपको जितने भी हेयर ग्रोथ सीरम्स मिलते हैं उसके अंदर एक ऑयलीनेस और ग्रीसीनेस फील होती है, जिसको लगा के आपको लगता है कि यार अब हेयर वॉश कर लेना चाहिए, बट इसके केस में ऐसा नहीं है। आप इसको एक रात पहले भी लगाओगे या कभी भी लगा के बाहर भी जाओगे, आपके बाल स्टिकी या फिर ऑयली नहीं फील होने वाले, विच इज जस्ट परफेक्ट फॉर मॉनसून, बिकॉज मॉनसून में हमें कम से कम नॉन स्टिकी वाले प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। यू कैन डेफिनेटली बाय फ्रॉम डर्माकोज ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पे ना कोड यूज कर सकते हो कशिका 2024, विच इज नॉन एफिलिएट कोड, मुझे उससे कुछ नहीं मिल रहा है, इट इज जस्ट अ डिस्काउंट कोड फॉर माय ऑडियंस। इसके अलावा ये नायका अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर्पल पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी ले सकते हो, मैं सबके लिंक्स नीचे डाल दूंगी। बट जस्ट इन केस यू बाय फ्रॉम डर्माको, यू आर एक्चुअली सपोर्टिंग अ गुड इनिशिएटिव, बिकॉज डर्माको हैज एम्पावर्ड 20,000 स्टूडेंट्स दिस ईयर विद अ यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम डर्माको दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि, सो ओवरऑल ये अच्छे इनिशिएटिव के लिए वर्क है, एंड ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट इज डेफिनेटली नाइस। तो ये था मेरा प्री वॉश हेयर केयर रूटीन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, विच इज शैम्पू। सो शैम्पू के मेरे पास आपके लिए 2-3 रिकमेंडेशन है जो मैं आजकल यूज कर रही हूँ। सबसे पहला शैम्पू जो स्पेसिफिकली अभी जो मॉनसून के हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आपकी स्कैल्प बहुत ऑयली है, मतलब आप कहते हो ना ऐसे हमेशा ग्रीसी ग्रीसी रहती है, पसीना आता रहता है, या फिर डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, या फिर एक ऐसे ना लगता है स्कैल्प आपकी भरी हुई है, बहुत ज्यादा हैवी फील होती है, देन बाय दिस शैम्पू। ट्रस्ट मी, दिस इज सो सो गुड। मैंने जिन जिनको रिकमेंड किया है ना उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। दिस इज द एक्चुअल शैम्पू जो आपके बालों को लिटरली ऐसे स्कैल्प को क्लीन कर देता है, आपके स्कैल्प में कोई रेसिड्यू नहीं बचता, आपका स्कैल्प एकदम क्लीन हो जाता है। यह लॉरियल का स्कैल्प एडवांस नायसिनमाइड शैम्पू, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये उनका ब्लू वाला रेंज है, स्कैल्प एडवांस रेंज। मैंने एंटायर रेंज अपने शॉर्ट्स पे प्रमोट करी हुई है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा इसका हेयर मास्क भी आता है, इसका एक सीरम समथिंग भी आता है, बट ये शैम्पू मेरा फेवरेट है। ये क्लियर शैम्पू है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऐसे शैम्पू है, ये वाइट या फिर क्रीमी वाला नहीं है, तो सिंस क्लियर शैम्पू है तो अभी मॉनसून की चिप चिप ग्रीसीनेस के लिए काफी अच्छा है, बट इट क्लीन्स योर स्कैल्प रियली वेल, इट इज अ डर्मो रेगुलेटर सूदिंग इफेक्ट फॉर सेंसिटिव स्कैल्प। तो अगर आपकी स्कैल्प सेंसिटिव भी है ना, लाइक काफी लोग ऐसे स्क्रैच करते हैं तो ऐसे ब्लड ब्लड दिखता है, या फिर बहुत जल्दी आपकी स्कैल्प से ऐसे स्क्रैच करते हो खून निकल जाता है, या फिर डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, इचिनेस बहुत ज्यादा है, आप बारिश में गए आपको ऐसे एलर्जिक रिएक्शन हो गया स्कैल्प में, देन दिस शैम्पू इज समथिंग यू हैव टू बाय। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैं इसको एज अ फर्स्ट वॉश यूज करती हूँ अपनी स्कैल्प को क्लेंस करने के लिए। मैं जब भी शैम्पू करती हूँ मैं हमेशा डबल क्लेंसिंग करती हूँ, चाहे मैं वीक में एक बार धोऊं, दो बार, तीन बार, लेकिन मैं हमेशा डबल क्लेंसिंग करती हूँ। सो ये तो था मेरा फर्स्ट शैम्पू। सेकंड शैम्पू के लिए मेरे पास 2 रिकमेंडेशन है। सबसे पहला मेरा पुराना रिकमेंडेशन जो अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, यू कैन सी अब खाली इतना सा बचा है, ये है प्रियंका चोपड़ा की ब्रांड एनोमली। ये एनोमली का स्ट्रेंथनिंग शैम्पू रीजुविनेट एंड रीवाइटलाइज करता है। ये बना है राइस वाटर एंड आमला ऑयल से, एंड दीज आर स्लाइटली एक्सपेंसिव बट दीज आर वेरी गुड। इसका मैंने कंडीशनर भी यूज़ किया, वो मेरे पास रखा है। मैं ज़्यादातर हेयर मास्क यूज़ करती हूँ ना, तो मेरे कंडीशनर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट दिस शैम्पू इज सो सो गुड। अगर फ्यूचर में नायका पे कोई भी सेल आएगी मैं डेफिनेटली इसको परचेज करूँगी। ये स्ट्रेंथनिंग शैम्पू बहुत अच्छा है, इसके अंदर कोई सल्फेट नहीं है, पैराबिन नहीं है, थैलेट नहीं है, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, डाई कुछ भी नहीं है। दिस इज लाइक वेरी सेफ फॉर स्कैल्प, फोम अच्छे से होता है, लाइक डिसेंट फोम होता है, मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा ऐसे फेक वाला झाग बनता है, एक डिसेंट फोम बनता है जिससे आपके बाल क्लीन हो जाते हैं। तो ओनली थिंग इज बहुत पतला है, कैन यू सी, एक दो बार तो मेरे से ऐसे निकल भी है बिकॉज हाथ से स्लिप ऑफ हो जाता है, बाथरूम में हाथ गीले होते हैं तो बहुत जल्दी स्लिप ऑफ हो जाता है, तो बड़ा दुख होता है बिकॉज स्लाइटली एक्सपेंसिव है बट बहुत अच्छा शैम्पू है। अगर आप अभी मॉनसून के लिए या समर्स के लिए एक अच्छा शैम्पू देख रहे हो जो आपके बाल को क्लेंस भी कर दे लेकिन आपके बालों को ओवर ड्राई ना करे और आपके बालों को अच्छे से स्ट्रेंथ दे, उसके अंदर सेफ इंग्रीडियंट्स हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस।
माय नेक्स्ट शैम्पू रिकमेंडेशन इज फ्रॉम बी ब्लंट. यह बी ब्लंट का सैलॉन लाइक हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये पूरी एक रेंज आती है इनकी. मैंने बी ब्लंट की इससे पहले रेंज यूज करी हुई है, इंटेंस मॉइस्चर रेंज, जो विंटर्स के लिए बहुत अच्छी है. उसका इंटेंस मॉइस्चर रेंज का ब्लू वाला हेयर मास्क मैंने पूरा खत्म कर दिया. आई लव दैट वन. शैम्पू बहुत अच्छा था. यह स्ट्रेंथन करता है आपके बालों को, रिड्यूस करता है हेयर फॉल. इसके अंदर पी प्रोटीन है, कैफीन है, अप टू 93% रिडक्शन इन हेयर फॉल इसका क्लेम भी है. देखो मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती कि शैम्पू करने से आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा. मैं बिलीव करती हूँ प्री शैम्पू रूटीन में, लाइक ये जो डर्मागो का सीरम है, आई कैन डेफिनेटली से हेयर ग्रोथ पे फोकस करेगा. लेकिन शैम्पू एक ऐसी चीज़ है जो आपने ऐसे लगाया और वॉश ऑफ कर दिया, तो उसका आपका हेयर फॉल पे इतना इफेक्ट नहीं होगा. बट येस, एज ए पूरी मार्केटिंग की ऐसी गेम होती है, हमें खुद भी लगता है कि चलो मानसून आ रहे हैं तो एंटी हेयर फॉल वाला शैम्पू यूज़ करते हैं. सो मैं आजकल ये वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ. मैंने अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ऑलमोस्ट खाली इतना यूज़ किया है, बट आई कैन से गुड रिजल्ट. फोम अच्छे से होता है, बाल आपके अच्छे से क्लेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव कंडीशनर्स. मैं बहुत कम कंडीशनर यूज करती हूँ, मतलब जिस दिन लगता है ना टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे जल्दी भी हेयर वॉश करना है तो फटाफट कंडीशनर लगाया, मैक्सिमम एक या दो मिनट रखा, मतलब एक मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो फिर मैं हेयर मास्क ही लगा लूंगी एंड वॉश ऑफ कर दिया. अगर आप कंडीशनर या फिर हेयर मास्क लगाते ही वॉश ऑफ कर रहे हो, देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर प्रोडक्ट, बिकॉज वो जब तक थोड़ी देर आपके बालों पर रहेगा नहीं, वो रिजल्ट नहीं देगा. तो कंडीशनर मेरा वो वाला दिन का बेसिकली एप्लीकेशन स्टेप होता है, जिसमें मैं बहुत जल्दी जल्दी नहाती हूँ. सो मेरे पास दो कंडीशनर रिकमेंडेशन है, दोनों ही लॉरियल के हैं. एक पूरा घिस चुका है, मतलब मैंने बहुत ज्यादा यूज कर लिया, और ये न्यू वाला है जो मैं आजकल टेस्ट कर रही हूँ. इसका रिव्यू जल्दी आने वाला है मेरे चैनल पे. सबसे पहले बात करते हैं लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नरिशिंग कंडीशनर. ये काफी अफोर्डेबल है, यू कैन सी फ्रॉम द पैकेजिंग सब कुछ उड़ चुकी है. इसका रिव्यू मैंने अपनी वाइटी शॉर्ट्स पे किया था. दिस इज विथ 6 न्यूट्रिटिव ऑयल्स. ये नरिश करता है, सॉफ्टनेस शाइन लेके आता है. दिस इज फॉर ड्राई एंड डल हेयर. अब आप सोचो कि मानसून में इतनी ग्रीसी ऑयली बाल होते हैं, तो फिर ड्राई डल हेयर के लिए कंडीशनर क्यों यूज करना है? देखो क्या होता है, जो आप ऐसे शैम्पूज यूज करते हो ना, लाइक दीज क्लियर शैम्पूज एंड ऑल, ये आपके बालों को ना थोड़ा सा सुखा देते हैं. ऐसा लगता है यार नरिशमेंट नहीं मिल रही, और काफी बार आपके बाल ना ड्राइनेस की वजह से ज्यादा झड़ते हैं कि आपने इतना सुखाने वाला शैम्पू यूज कर लिया, उसके बाद आपके बाल इतने रफ हो जाते हैं कि वो और झड़ने लग जाते हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है अपने बालों पे. तो इसलिए मैं ऐसे कंडीशनर लगाती हूँ जो हल्की फुल्की नरिशमेंट देते हैं मेरे बालों को, एंड अफोर्डेबल प्राइस में डेफिनेटली मैं यही रिकमेंड करूंगी. इसका छोटे वाला तो आई थिंक 120-150 समथिंग का आता है, वेरी वेरी अफोर्डेबल. दिस वन इज फॉर 249. ये भी एकदम डिसेंटली प्राइस्ड है. बहुत अच्छा कंडीशनर है, आपके बालों को नरिशमेंट देता है, आपके बालों को सुखाता नहीं है. ये मैंने विंटर्स में काफी यूज किया था, अब मैं थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ यूज कर रही हूँ. लेकिन अगर आपको ड्राइनेस का इशू है, आपके बालों में ऐसे फ्रिजीनेस बहुत ज्यादा रहती है, काफी बार ऐसे खड़े खड़े रहते हैं ना बाल आप मानसून में, इट इज बिकॉज की फ्रिजीनेस है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, या फिर डलनेस है आपके बालों में, वो शाइन नहीं है, तो आप ऐसे हेयर कंडीशनर यूज कर सकते हो. नेक्स्ट अप इज अ न्यू कंडीशनर जो मैं आजकल ट्राई कर रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ. अभी ज्यादा इतना यूज नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में इसका रिव्यू आने वाला है, तब मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी. अभी मैंने इसको एक या दो बार यूज किया, आई लव इट, आई लव द रिजल्ट ऑन माई हेयर. ये है लॉरियल का हाइलोरॉन मॉइस्चर 72 आवर मॉइस्चर सीलिंग कंडीशनर. सो बेसिकली मॉइस्चर को लॉक करके रखता है आपके बालों में, बिकॉज इसके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड है, एंड दिस वन इज स्पेसिफिकली फॉर डिहाइड्रेटेड हेयर. आई लव द फैक्ट लॉरियल अपने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाता ना, उसमें नीचे मेंशन कर देता है, लाइक इसमें नीचे मेंशन है ड्राई एंड डल हेयर, और ये है डिहाइड्रेटेड हेयर के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डिहाइड्रेटेड हेयर, बिकॉज काफी लोगों को डिफरेंस ही पता होता है डिहाइड्रेटेड हेयर में और ड्राई डल हेयर में. ड्राई और डल हेयर तो एक तरह से हेयर टाइप हो गया कि यार मेरे बाल हमेशा ड्राई रहते हैं, डल रहते हैं, वो ऑल सीजन वाला इशू होता है. लेकिन डिहाइड्रेटेड हेयर होते हैं आपकी गलतियों की वजह से, लाइक अगर आप बहुत ज्यादा सुखाने वाला शैम्पू यूज कर रहे हो, फिर आप बिल्कुल कंडीशनिंग नहीं कर रहे, आप जल्दी जल्दी ऐसे रगड़ रगड़ के शैम्पू करके बाहर आ जाते हो, फिर आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल है वो भी निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है बालों में. या फिर आप बहुत ज्यादा हीटिंग टूल्स यूज कर रहे हो, आप हेयर ड्रायर, प्रेसिंग मशीन्स इतना एक्सेसिवली यूज कर रहे हो कि आपके अच्छे खासे बाल ही डिहाइड्रेट हो गए हैं, तो उस केस में ऐसे प्रोडक्ट्स काम आते हैं, बिकॉज इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये वो हाइड्रेशन को बेसिकली लॉक करता है. नेक्स्ट अप इज माय फेवरेट स्टेप ऑफ हेयर केयर रूटीन, बिकॉज यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लगाते ही इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है. मतलब जब मैं हेयर मास्क नहीं लगाती ना, आई लिटरली फील लाइक यार मजा नहीं आया, बाल एकदम सॉफ्ट नहीं लग रहे, स्मूथ नहीं लग रहे. सो हेयर मास्किंग मेरे लिए बहुत जरूरी है. मैं वंस इन 3 या 4 मंथ्स एक हेयर मास्क का टब खाली कर ही देती हूँ. आप मेरी MTC वीडियो फ्यूचर में देखोगे ना, आपको उसमें दिखेंगे काफी सारे हेयर मास्क. तो मैं अपने दो फेवरेट आपको बता देती हूँ. सबसे पहला काफी यूनिक प्रोडक्ट है, बिकॉज ये खाली हेयर मास्क नहीं है, दिस इज अ 2-in-1. तो ये शैम्पू का भी काम करता है और हेयर मास्क का भी काम करता है. ये
सेम स्कैल्प एडवांस रेंज का शैम्पू इन हेयर मास्क प्रोडक्ट है बेसिकली. सो ये जो लॉरियल की रेंज थी ना स्कैल्प एडवांस, ये उसी का ही शैम्पू इन हेयर मास्क है. तो ये बेसिकली क्या है, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी में हो कि यार फटाफट नहाना है, बाल हेयर वॉश करना है, फिर आप सुबह काम पर जाते हो, टाइम नहीं है, तो ये 2-in-1 प्रोडक्ट है. ये शैम्पू का भी काम करता है, ये हेयर मास्क का भी काम करता है, और ये डीपली आपके बालों को प्योरीफाई करता है. तो ये ग्रे कलर का ऐसे क्ले जैसा टेक्स्चर है इसका, ऐसा लगेगा क्ले मास्क है लेकिन ये क्ले मास्क नहीं है. इसको अच्छे से आपको अपनी स्कैल्प पे भी लगाना है, इसको आप लगाओगे ना फोम भी बनेगा प्रॉपर, ऐसे झाग बनते हैं शैम्पू की तरह. और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है आपने बालों में लगा सकते हो एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ. तो ये दोनों का काम करता है. बट द ओनली थिंग इज सिंस ये स्कैल्प प्योरीफाइंग रेंज है, ये आपके बालों को थोड़ा सा सुखा सकती है, स्कैल्प आपकी हल्की हल्की ड्राई फील हो सकती है. सो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है या फिर मॉनसून में आप परेशान हो गए, आपके बाल इतने हैवी ग्रीसी चिपचिप रहते हैं या फिर ऑयलीनेस बहुत ज़्यादा बालों में, तब आप ये डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. आपके बालों को प्योरीफाई भी कर देगा और इसका इतना अच्छा कूलिंग इफेक्ट है ना, मतलब गर्मी में जब आप इसको लगाओगे ना आपको एकदम ऐसे ठंडा फील होगा, जो काफ़ी अच्छा लगता है. पर्सनल फेवरेट है जो मैं जब भी लगाती हूँ, अगर मैं इसके ऊपर हेयर प्रेसिंग या फिर कुछ हेयर स्टाइलिंग करूँगी ना, तो बहुत लोग कहते हैं आपके बाल शाइनी लग रहे हैं, स्मूथ लग रहे हैं. इसको यूज़ करने के बाद इनफैक्ट मुझे खुद लगता है कि यार बाल कितने सॉफ्ट और स्मूथ हो गए हैं. यह लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर प्रोटीन एंड गोल्ड किनुआ रेंज, ये मैंने अपनी वाइटी शॉर्ट्स में रिव्यू करी हुई है. आप अगर मेरी वाइटी शॉर्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बिकॉज मैक्सिमम रिव्यूज़ मैं अपनी वाइटी शॉर्ट्स पर ही कर देती हूँ. वो कोलैबोरेशन में था बट इट वॉज 100% ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे एंटायर रेंज बहुत पसंद है. तो ये रिकन्स्ट्रक्ट करती है आपके बालों को, बेसिकली इंस्टेंट रीसरफेस करती है ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर. सो अगेन आपके बाल अगर डैमेज हो गए, आपने कोई ट्रीटमेंट करा ली, हीट ट्रीटमेंट कराई है, बाल ऐसे डैमेज हो गए, तो आप ये लगा सकते हो. बट दिस इज नॉट फॉर कलर ट्रीटेड हेयर, मैं आपको बता देती हूँ. मैं कोई भी प्रोडक्ट आपको वो नहीं रिकमेंड कर रही जो आपने हेयर कलर पे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मैंने पर्सनली कभी हेयर कलर कराया नहीं है. आई हैव कम्प्लीटली वर्जिन हेयर. पता नहीं, मेरा मन नहीं करता हेयर कलर कराने का, कभी कभी करता है बट कभी कभी लगता है यार बड़े बाल झड़ते हैं, मैं दोबारा रेस्ट नहीं ले सकती. मैंने बहुत पहले स्मूथनिंग कराई थी और उसके बाद से ना मुझे ऐसा डर लग गया कि यार बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो मुझे अपने वर्जिन हेयर ही अच्छे लगते हैं. बट अगर आपने हेयर कलरिंग कराई हुई है तो मैं आपको ये वाला रेंज रिकमेंड कर सकती हूँ, विच इज़ द मेटल DX रेंज. ये लॉरियल की स्पेसिफिकली एक मेटल DX रेंज आती है जो आप हेयर कलर वाले बालों पे यूज़ कर सकते हो. बहुत अच्छी रेंज है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. आई डोंट नो ये लॉरियल स्पेसिफिक वीडियो की हो गई है, बट आई लव लॉरियल. लॉरियल के जितने प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे से वर्क करते हैं. सो ये हेयर मास्क बहुत अच्छा है, अगर आपके बाल भी ऐसे डल ड्राई रहते हैं या फिर स्मूथ नहीं फील होते, शाइनी नहीं फील होते, ट्राई दिस वन एंड यू विल थैंक मी. इसका ऐसे बेज कलर का टेक्स्चर है और ये बहुत लाइक इट स्मेल्स रियली नाइस. को लगा के खुशबू बहुत अच्छी आती है आपके बालों में से, आपके वॉशरूम में से, बट ये बहुत अच्छे से नरिश करता है. इसको जब आप ठंडे पानी से हटाओगे ना, आपको इंस्टेंटली लगेगा कि आपने कोई ट्रीटमेंट करा लिया, आपके बाल ऐसे सॉफ्ट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, एंड यू जस्ट लव द रिजल्ट. एंड यहाँ मैं कशी का ज्ञान भी देने वाली हूँ कि जब भी आप कोई भी कंडीशनर हेयर मास्क अपने बालों से हटाओ, हमेशा ठंडा पानी डालो, चाहे कैसा ही मौसम हो, ट्राई कि आप इसको ठंडे पानी से हटाओ. अगर आप अपना कंडीशनर हेयर मास्क गर्म पानी से या ल्यूकोम वाटर से हटाओगे ना, तो वो बेनिफिट्स नहीं देगा, वो सारी उसकी नरिशमेंट ले जाएगा और फिर फायदा नहीं होगा. ये वाले जो स्टेप्स होते हैं, इनका काम होता है अपने आपके बालों पर नरिशमेंट को छोड़ के जाना, ताकि आपके बालों पर एक लेयर बनी रहे सॉफ्टनेस की, नरिशमेंट की. तो इसको ठंडे पानी से हटाना, ये आपको बेटर रिजल्ट देगी. एंड या सो ये तो मेरा पूरा वॉशिंग रूटीन हो गया. इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ मेरा माइक्रोफाइबर हेयर टॉल. आई ऑलवेज से कभी भी अपना बॉडी का हेयर टॉल बालों में मत रैप करो. एक तो हैवी होता है, आप जब ऐसे रैप करके पीछे करते हो ना अपने बाल, वो टॉवल इतना हैवी होता है, वो आपके बालों को ऐसे गीले खींचता है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ से हेयर फॉल आना शुरू हो जाता है. सो अगर आप यहाँ से हेयर फॉल फेस करो ना, तो प्लीज़ अपना बॉडी का टॉवल अपने बालों में रैप करना बंद कर दो. एक अच्छा माइक्रोफाइबर हेयर टॉल लो, मैं आप फीचर कर दूंगी मैं कौन सा वाला यूज़ कर रही हूँ. दिस वन इज़ फ्रॉम नायका. नायका के बहुत अच्छे अपने माइक्रोफाइबर हेयर टॉल आते हैं और अफोर्डेबल भी हैं. जस्ट हैव टू बेंड फॉरवर्ड, ऐसे लॉक किया, ट्विस्ट किया और यहाँ पे बटन आता है, उसमें लगा दिया. तो माइक्रोफाइबर क्या करता है, जितना भी आपका एक्सेस वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी आपका बेसिकली जल्दी बालों को सुखाने में हेल्प करता है. जैसे आप उसको खोलोगे ना, आपके बाल सेमी ड्राई होंगे. अनदर टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज यूज़ सैटिन पिलो कवर्स. जो आप जिस पे सोते हो, आपका जो पिलो है जिस पे आप सर रख के सोते हो, हमेशा उस पे सैटिन का कवर लगाओ. मैंने भी अमेजोन से लिया हुआ है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी. रेड कलर का है, मैंने उसका पैक ऑफ 2 में ले लिया था, तो एक वॉश होता है तो दूसरा मैं यूज़ कर लेती हूँ. आपका जो पिलो होता है ना, वो लिटरली गेम चेंजर होता है आपके बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए. गंदा पिलो कवर एक्ने भी देगा, स्किन खराब भी करेगा, और अगर उसकी मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो आपको रिंकल्स भी दे सकता है. लेकिन जो सैटिन वाले
पिलो कवर होते हैं ना वो इतने सॉफ्ट होते हैं, वो आपको रिंकल्स नहीं देंगे, वो आपके बालों में फ्रिजीनेस नहीं देंगे. एंड फाइनली कमिंग टू द सीरम स्टेप, मेरा करंट फेवरेट सीरम यही चल रहा है जो मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ. बीच में मैं एब्सोल्यूट वाला यूज करने लग गई थी, बट अगेन आई एम बैक टू दिस वन बिकॉज मुझे इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं. दिस इज अफोर्डेबल एंड इट सूट्स मी बेटर. ये है लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल इन सीरम. सो ये काफी यूनिक फॉर्मुला है, आप इसको एज अ हेयर सीरम भी यूज कर सकते हो अपने बालों पर, लाइक हल्के से डैम्प या फिर गीले बालों में यूज करोगे तो बेटर रहेगा. अगर बिल्कुल सूखे बालों में हेयर सीरम लगाओगे ना तो आपके बालों को ग्रीसी कर देगा और फिर वो अच्छे नहीं लगते. तो जब आपने माइक्रोफाइबर से अपने बालों को खोलोगे ना, आपके बाल हल्के हल्के गीले होते हैं, तो तब आप इसको अच्छे से लगाओ. बहुत थोड़ा सा लिया ऐसे मसाज के अपने बालों में एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई. इसको बेसिकली यूज कैसे करना होता है, थोड़े से पंप लिए अपने हाथों में. अभी तो ऑफकोर्स मैंने लगाया हुआ तो मैं बार बार नहीं लगा रही, आई एम जस्ट शोइंग यू. आपको क्या करना है, बेसिकली ऐसे करना है. सो जो भी प्रोडक्ट है पहले उसको हाथों पे ऐसे मसाज के एंड देन यू हैव टू डू लाइक दिस, ताकि जो सीरम है ये आपके फिंगर्स के बीच में आ जाए एंड देन यू हैव टू ब्रश इट लाइक दिस. आप जब ऐसे लगाओगे ना तो आपका हेयर सीरम बेटर अप्लाई होता है. और आपको यहाँ नहीं लगाना, स्कैल्प में नहीं लगाना, बिकॉज हेयर सीरम का काम होता है हेयर लेंथ को शाइन प्रोवाइड करनी, नरिशमेंट प्रोवाइड करना. और इसके बाद फिर आप कोई भी कॉम्ब यूज कर सकते हो. ये डिटैंगलिंग का काम करता है, आपके बालों को उलझाता नहीं है, इवेंचुअली आपके बाल कम झड़ते हैं, अच्छी शाइन लेके आता है. दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. ये थी मेरी पूरी एक इंटेंसिव गाइड ऑन मॉनसून हेयर केयर रूटीन. बारिश आ गई है, वैसे भी काफी लोगों को हेयर फॉल के इशू होते हैं, फिर हेयर ग्रोथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाउट होते हैं. आई थिंक इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज क्लियर कर दी है. जितने भी प्रोडक्ट्स की मैंने बात करी है सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज चेक कर लेना. जो भी डिस्काउंट कोड है, सेल, डील, जो भी चल रहा होगा मैं सब कुछ नीचे डाल दूंगी. इसके अलावा आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में कि आप मॉनसून में क्या ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हो जो आपके हेयर फॉल को बचाता है या फिर हेयर लॉस होने से बचाता है, फिर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो आपको मॉनसून में बहुत पसंद है फॉर योर हेयर, वो आप जरूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना बिकॉज आई रीड ऑल द कॉमेंट्स. सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. आप मेरे यहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मैंने बहुत सारे स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, फैशन, ब्यूटी बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं. सो मेक श्योर यू वॉच दैट एज वेल. एंड या दैट इज अ टुडेज वीडियो. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.